आपने कभी सुना है कि पिंक ठेके महिलाओं के लिए अलग से खोले गए किसी राज्य में? ये पहला राज्य होगा पूरे भारत का जहां पर पिंक ठेके खोले गए। क्यों? क्योंकि शराब की नीति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इनको रेवेन्यू चाहिए। अब इन्होंने ये कहते हैं कि हमने मुफ्त कर दी बिजली, जबकि मुफ्त नहीं है बिजली। अब तो मैं खुद जाती हूँ लोगों के पास में, लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं हमें कोई मुफ्त नहीं मिल रही है ना, और हमें पानी कैसा मिल रहा है? गंदा पानी मिल रहा है। पानी या तो आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। दारू के विषय में ऐसा कहना चाहूँगी, मैं एक औरत हूँ और जब मैं प्रसव पीड़ा को गुजरती हूँ और वो जब छोटे से बच्चे को गोद में लेती हूँ, तो मैं क्या कोई भी माँ ये सपना नहीं देखती कि मेरा बच्चा ये कल जवान होकर ठेके के सामने खड़ा होगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आज दिल्ली का हर बच्चा ठेके की तरफ देख रहा है। बच्चे को क्या, आप जो उसको बच्चा हाथ से खाएगा चम्मच से खाएगा ये माँ सिखाती है। आप दिल्ली के CM हैं, आप ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि पिंक ठेके और ब्लू ठेके में जाओ। बहुत ही गंदे इंसान है। ये तो सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे। अभी ये एक ही जेल गया है, ये तो पूरे के पूरे मंत्रालय इनके भ्रष्ट हैं। कौन कौन जेल जाएगा अभी देखते रहिए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। ये तो आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। आज देखिए सब चीज़ उनके पास है, गाड़ियों की लाइन है, बंगलों की लाइन है, सिक्योरिटी एक से एक बढ़िया सिक्योरिटी है। ये तो साबित हो गया है कि जब आए थे तब कुछ और चेहरा था, अब चेहरा बदल गया है। लेकिन अब चेहरे बदलते बदलते इस कदर बदल गए हैं कि जेल जाने की बारी आ गई है। अब आप ये देखिए कि हम दिल्ली की राजधानी में रहते हैं और यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है केजरीवाल की सरकार है 5 सालों से, और अब किसको अरेस्ट किया? उनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनके ऊपर केस चल रहा था हवाला, और उनके ऊपर ED का जो है केस चल रहा था, आज उसमें गिरफ्तारी हुई। क्यों हुई है? क्योंकि उनको सबूत मिले हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हमने आज ये प्रदर्शन इसलिए किया है ताकि वो जो गिरफ्तारी हुई है, अब उनका नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है केजरीवाल सरकार से कि आप उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनको नैतिक आधार पर इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और सिर्फ वही नहीं, इनके सारे मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। हर क्षेत्र में ये सरकार जो है विफल हो चुकी है। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, आप स्कूल के क्षेत्र में देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि पिंक ठेके, आपने कभी सुना है कि पिंक ठेके महिलाओं के लिए अलग से खोले गए किसी राज्य में? ये पहला राज्य होगा पूरे भारत का जहां पर पिंक ठेके खोले गए। क्यों? क्योंकि शराब की नीति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इनको रेवेन्यू चाहिए। अब इन्होंने ये कहते हैं कि हमने मुफ्त कर दी बिजली, जबकि मुफ्त नहीं है बिजली। अब तो मैं खुद जाती हूँ लोगों के पास में, लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं हमें कोई मुफ्त नहीं मिल रही है ना, और हमें पानी कैसा मिल रहा है? गंदा पानी मिल रहा है। पानी या तो आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। तो ये सब, ये क्यों नहीं, ये अपनी सुविधाओं को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सारा पैसा जो है अपनी जेबों में भरा है, और उस भ्रष्टाचार को जो है इन्होंने, ये भ्रष्टाचार इन्होंने खूब फैलाया 6-7 सालों में, सिवाय अपने और अपने मंत्रियों की जेब गर्म करने के अलावा उन्होंने कोई किसी भी दिल्ली की जनता का कोई विकास नहीं किया है। इनको बिल्कुल भी नैतिकता के आधार पर अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। और मैं तो कहती हूँ कि केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से एक विफल शासन दिया है, इनको भी अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भगवंत मान जो है वो सिर्फ एक चेहरा है पंजाब का, लेकिन वहाँ की जो सत्ता है वो चला रहे हैं राघव चड्ढा जी और केजरीवाल जी। ये दोनों ही पंजाब सरकार को जो है, पंजाब राज्य को चला रहे हैं। वहाँ पर जो भी कुछ होता है इन्हीं के कहने से होता है, तो नेचुरली वहाँ कुछ भी होगा तो आरोप इन्हीं पर आएगा। भगवंत मान जी सिर्फ एक चेहरा है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। यानी कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, मतलब पंजाब में सरकार चल रही है, तो वो भगवंत मान चला रहे हैं या अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी चला रहे हैं। दिल्ली से चल रही है पंजाब की सरकार, यानी पंजाब में रिमोट सरकार चल रही है। बिल्कुल रिमोट वाली सरकार है, दिल्ली से ही सरकार चल रही है पंजाब की। और रही बात इनकी सरकार की, तो इनकी सरकार तो भ्रष्टाचारी मंत्रियों की पूरी फौज है। आप अगर बहुत पहले नहीं जाके 2020 के शुरुआत में जाते हैं जनवरी में, तब एक निर्णय आया था कि इनके एक फर्जीवाल हैं, फर्जी डिग्री वाले जितेंद्र सिंह तोमर, उनको इन्होंने बहुत अहम मंत्रालय दे रखे थे और फर्जी डिग्री थी उनके पास, तो उनको भी उठा के फेंका गया। इनके वो सोमनाथ भारती, कितना दुष्व्यवहार वो अपनी गर्भवती धर्मपत्नी के साथ करते थे। तो इनके तो अगर आप देखो सारे, अच्छा अगर ये शराब ठेके खोले थे, इसमें देख लो राघव चड्ढा और उसके चाचा अशोक चड्ढा,
तो भ्रष्टाचार की तो इनकी पूरी फौज है, ये खुद भी इतने भ्रष्टाचारी रंग में रंगे हुए हैं, अभी धीरे धीरे सामने आएगा। और दिल्ली की जनता जिनको 7 साल से 8 साल से मूर्ख बना रहा है, अब तो दिल्ली की जनता इससे ये सवाल पूछेगी। तो क्योंकि जब केजरीवाल जी आए थे, इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मुझे ना तो सिक्योरिटी चाहिए ना सरकारी बंगले गाड़ी चाहिए। अब इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि पंजाब पुलिस भी अपने ऊपर लगा लिया। भाई ऐसा कौन सा राजा भोज है, पूरा देश ही आरोप लगा रहा है और लगातार हर देशवासी के दिल में ये सवाल है, हर पंजाब वासी के दिल में ये सवाल है कि ये केजरीवाल और राघव चड्ढा जब से पंजाब में आए हैं, इन्होंने पंजाब को खालिस्तान के हाथों में बेच दिया है। पंजाब वापस से 1990 के दशक में पहुंच गया है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आज भारत वर्ष का एक एक देशवासी ये बात पूछ रहा है। भैया आप खुश नसीब हो अगर दिल्ली वासी हो, खुश नसीब हो कि दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं है। अभी यहाँ पर आप और हम खड़े होकर आराम से बात तो कर पा रहे हैं, वरना तो अगर दिल्ली की पुलिस भी केजरीवाल के हाथ में होती तो जैसे पंजाब में खुलेआम गोलियां चल रही है, हम तो कब के भगवान के घर में पहुँच चुके होते। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाने चाहूँगी, जब केजरीवाल ने पिछली बार पंजाब के विधानसभा चुनाव लड़े थे, कोशिश की थी तब केपीएस गिल, जिनके सर पे ताज है, कि उन्होंने पंजाब से आतंकवाद को ख़त्म किया था, उन्होंने जनता से एक आग्रह किया था कि अगर केजरीवाल को लाओगे तो पंजाब को वापस से 1990 के दशक में भेज दोगे, खालिस्तान को आप एंट्री दे दोगे। वही इस बार हो गया है, क्योंकि जैसे ही हिमाचल में प्रचार के लिए जाने लगा, अगले दिन ही विधानसभा पे खालिस्तान के झंडे इसी की गाड़ी में रख के गए होंगे ना। जैसे ही हरियाणा में गया प्रचार के लिए, करनाल से 4 खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए, उनको भी अपनी गाड़ी में रख के ले गया होगा ना। तो वो जो आप बंदूकों का जिक्र कर रहे हो, वो भी इसी की गाड़ी में आए होंगे, इसकी तलाशी होनी चाहिए। क्या 84 में जो कांड हुआ था पंजाब में, तो वो क्या दोबारा से दोहराने वाला है? अगर केजरीवाल की मंशा रही तो ऐसे बहुत सारे कांड दोबारा होंगे। दिल्ली को लंदन तो छोड़िए, जीने के लायक भी आज अगर मोदी जी हैं तो कोरोना काल से निकल के हम लोग यहाँ पे जिंदे खड़े हैं। नहीं तो उन्होंने जो दहशत क्रिएट किया था, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, हर समय प्रोपेगेंडा, हर समय ना तो उन्होंने पॉल्यूशन पे काम किया, ना तो उन्होंने बसों के ऊपर, अभी 150 बस मोदी सरकार ने दिया। पर मैम दारू पे तो काम कर रहे हैं ना, हमने पिंक टॉयलेट सुना था, लेकिन अब पिंक जो है, पिंक दारू का अड्डा भी। दारू के विषय में ऐसा कहना चाहूँगी, मैं एक औरत हूँ और जब मैं प्रसव पीड़ा को गुजरती हूँ और वो जब छोटे से बच्चे को गोद में लेती हूँ, तो मैं क्या कोई भी माँ ये सपना नहीं देखती कि मेरा बच्चा ये कल जवान होकर ठेके के सामने खड़ा होगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आज दिल्ली का हर बच्चा ठेके की तरफ देख रहा है। बच्चे को क्या है? आप जो उसको बच्चा हाथ से खाएगा, चम्मच से खाएगा, ये माँ सिखाती है। आप दिल्ली के सीएम हैं, आप ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि पिंक ठेके और ब्लू ठेके में जाओ। बहुत ही गंदे इंसान है। क्योंकि ये दिल्ली से के मुख्यमंत्री जब सरकार में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की राजनीति बदलने आए हैं। अब आप सबके सामने, पत्रकारों के सामने भी ये बात आ ही गई है कि ये दिल्ली सरकार को क्या, सरकार में आने के बाद में खुद बदल गए हैं और ये चोर साबित हुए हैं। अब ये चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा रहे हैं, तो ये क्या सरकार बदलेंगे और क्या विचार बदलेंगे? ये तो खुद चोर हैं। और अब ये इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो बर्खास्त की जो मांग की है, अगर ये बर्खास्त कर देंगे तो वो केजरीवाल की पोल खोलेगा, तो केजरीवाल भी अंदर जाएगा, इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। तो ये सब अंदर जाने वाले हैं, तो किसी भी स्तर तक ये गिर सकते हैं, इसलिए अब इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये दिल्ली की जनता इनसे बदला लेगी, क्योंकि दिल्ली के साथ जो छल किया है ना, इसका बदला दिल्ली ही लेगी इनसे। ये बलात्कारी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, हम तो ये मांग करते हैं कि अब इसके जो मंत्री पद पर ये बने हुए हैं, ये मंत्री पद से बर्खास्त होने चाहिए। ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी ईमानदारी है कि जब आपके नेता भ्रष्टाचारी साबित हो गए, जेल जा रहे हैं, तो फिर भी वो मंत्रालय में रहेंगे, मंत्री पद उनका बना रहेगा? ये कहाँ की ईमानदारी है? तो ये ईमानदारी इनकी अब स्पष्ट हो गई है कि ये भ्रष्ट साबित हो गए हैं। इनको तो मुख्यमंत्री को ही इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये तो सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे। अभी ये एक ही जेल गया है, ये तो पूरे के पूरे मंत्रालय इनके भ्रष्ट हैं। कौन कौन जेल जाएगा अभी देखते रहिए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए।
ये तो आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। आज देखिए सब चीज़ उनके पास है, गाड़ियों की लाइन है, बंगलों की लाइन है, सिक्योरिटी एक से एक बढ़िया सिक्योरिटी है। ये तो साबित हो गया है कि जब आए थे तब कुछ और चेहरा था, अब चेहरा बदल गया है। लेकिन अब चेहरे बदलते बदलते इस कदर बदल गए हैं कि जेल जाने की बारी आ गई है। एक तो इन्होंने अपने, जब इनके हाथ में पुलिस आई है, इन्होंने पंजाब जीता, इन्होंने पहले, इनके पास ये बहाना था कि हमारे पास दिल्ली में पुलिस नहीं है। जब इनके पास पंजाब में पुलिस आ गई तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो जितने लोगों को इन्होंने सिक्योरिटी दी हुई थी, जिनकी जान को खतरा था, उनको, उनकी सिक्योरिटी को इन्होंने हटाया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी की सिक्योरिटी को हटाते हो तो उसको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि उनको सिक्योरिटी किसी वजह से मिली होती है, क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। इन्होंने उसका इश्तिहार दिया कि भाई हमने इन इन लोगों की सिक्योरिटी हटा दी और उनको मौका मिल गया वहाँ दूसरे पक्ष को कि वो उनकी हत्या कर दे। तो ये तो एक खुला आमंत्रण था हत्यारों को कि आओ और उनकी हत्या करो। तो ये इनका जो राज्य चलाने का तरीका है, ये बिल्कुल वो हैं, एनार्किस्ट हैं ये, और ये बिल्कुल भी संविधान में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने जिस प्रकार दिल्ली को जो है डुबोया है, ये पंजाब को भी डुबोने पर तुले हुए हैं।